आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है ये ट्राइनोमियल है। अभी तक जो आप आइडेंटिटी देख रहे थे वो उसमें दो टर्म थे, बाइनोमियल था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। अब ये ट्राइनोमियल आ गया आपके सामने। इसमें जब इसका स्क्वायर कराया जाएगा तब एक आइडेंटिटी बनेगी। क्या आइडेंटिटी होगी वो, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट को दो बार लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले इस ए का मल्टीप्लाई होगा इस ए प्लस बी प्लस सी से, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। फिर इस बी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। फिर इस सी का मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ था तो उस ब्रैकेट को दो बार लिख लिया और इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा दिया सिंपली। इससे क्या होगा, मेरे पास ए का स्क्वायर आ जाएगा, मेरे पास बी का स्क्वायर आ जाएगा, मेरे पास सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ए भी मेरे पास दो होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, टू ए बी, है ना। बी सी मेरे पास दो हैं तो ये बन गया टू बी सी, और ए सी भी मेरे पास दो हैं, या इनको ए सी लिखो या सी ए लिखो वो एक ही बात है, टू सी ए। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। अब इस तरह का जब फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो आप उससे कैसे करोगे, देखो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास आया ए प्लस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल कर दिखाओ, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि एक ट्राइनोमियल है और इसका होल स्क्वायर है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर में ध्यान रखना ये ए का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। हम बोलेंगे जरूर ए स्क्वायर बट ये ए का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। अब आप कंपेयर कराओ तो ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए की जगह तो ए दिख रहा है, बी की जगह टू बी, और सी की जगह सी, ठीक है। तो जहां जहां ए लिखा है वहां पर स्मॉल ए लिख दो, जहां पर बी लिखा हुआ है वहां पर टू बी लिख दो, और सी की जगह सी लिख दो क्योंकि सी की जगह सी है, ठीक है। फिर अगेन वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, सिर्फ टू इंटू ए की वैल्यू ए, बी की जगह टू बी, फिर से टू इंटू बी की जगह टू बी और सी की जगह सी, प्लस टू इंटू सी की जगह सी और ए की जगह ए, ठीक है। तो मैंने बस ए बी सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है इस फॉर्मूले में, और बस इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। जैसे कि ए का स्क्वायर टू बी का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, फोर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका सॉल्व करो फोर ए बी इसको प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल आप ये फॉर्मूला लिखो और इसको कंपेयर करा लो बस, कि इनकी वैल्यू क्या है वो यहाँ पर पुट कर दो और सॉल्व कर दो केयरफुली, ठीक है, तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास क्वेश्चन आया इस तरह से, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इसे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से कंपेयर कराओगे। a की वैल्यू क्या है,
बी की माइनस का वाई ले लोगे, बस इतना सा फर्क हो जाएगा, ठीक है। और सी की जगह जेड। अब जब आप फॉर्मूला लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, इस फॉर्मूले में ए की जगह लिखोगे 2x, बी की जगह माइनस वाई और सी की जगह जेड, फिर 2 इंटू ए की जगह 2x, बी की जगह माइनस वाई, ठीक है, 2ab हो गया। अच्छा 2bc लिखो, 2 इंटू बी की जगह क्या लिखोगे बोलो, माइनस वाई, सी की जगह जेड, प्लस 2 इंटू सी की जगह जेड और ए की जगह 2x। बस ये ध्यान से रखना है, फिर इसके बाद थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व कर देना है, जैसे कि ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर होगा, ध्यान रखना माइनस के नंबर का स्क्वायर कराते हैं तो प्लस का हो जाता है, और साथ में क्या चल रहा है जेड स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 2 जा 4xy, ये माइनस प्लस माइनस 2yz, और प्लस में और क्या चलेगा 4zx। कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, तो आसान है। तो माइनस कहीं पर भी आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप तो ये देखो मेरा a क्या है। मान लो यहाँ माइनस 2x होता तो मेरा a क्या हो जाता, तो मैं यहाँ पर माइनस 2x लिखता, जहाँ जहाँ a था होता वहाँ माइनस 2x लिख देता, होल स्क्वायर होता तो वो प्लस का ही बन जाता, और अदरवाइज कहीं पर अगर माइनस है तो माइनस प्लस, जैसे यहाँ पर माइनस आया तो माइनस प्लस, यहाँ पर हमने आंसर में क्या लिखा माइनस, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। एक तो हो गया इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें इस तरह की फॉर्म दे रखी होगी, ये वाली फॉर्म, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो ये तो क्वेश्चन वो वाला है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। कई बार क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, राइट हैंड साइड की फॉर्म में, उसमें वो क्या करता है आपको, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, और साथ में इनकी वैल्यू भी दे देगा, 2ab 2bc 2ca, या इसमें से ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू दे देगा, बस आपको यहाँ पुट करनी होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास क्वेश्चन आया लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ठीक है, और आपको दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10, ठीक है, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आया, अब हम क्या करेंगे देखो, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया जाता है तभी वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ सकता है, तो इसका मतलब इस आइडेंटिटी की बातें करनी है, तो यहीं से स्टार्ट किया हमने, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 16 प्लस इन सब में से कॉमन ले लो क्या 2, क्या बच गया ab प्लस bc प्लस 16 प्लस 2 ऐसी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी 10, ठीक है 16 ऐसी, ठीक है, ये कितना हो गया 20, ठीक है, ये कितना हो गया 36, ये सब किसके इक्वल चल रहा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी हम स्क्वायर हटाकर रूट लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव इंटीजर के बारे में नहीं है, तो हमारा यहाँ पर जब आंसर आएगा तो किस में आएगा, प्लस माइनस 6, कैसा आएगा, जहाँ भी आपने स्क्वायर हटाकर रूट लगाया और वो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ना हो तो हमेशा रूट लगाने के बाद आगे क्या लिखना होता है, प्लस माइनस, ठीक है,
क्यों लिखना होता है पता है? माइनस टू का स्क्वायर अगर कराएं तो बताओ आंसर कितना आता होगा, और टू का स्क्वायर कराएं तो आंसर, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाकर रूट लगाऊं, ठीक है, मैं यहाँ से स्क्वायर हटाकर क्या लगा दूं, रूट, तो यानी रूट फोर की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाकर रूट लगा दूं तो रूट फोर की वैल्यू क्या आएगी? टू आएगी। तो इसका मतलब रूट फोर की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ टू नहीं होती है, क्या होती है? प्लस और माइनस टू दोनों होती हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आएगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी वही आएगा, तो यानी कि दोनों के जब स्क्वायर रूट लगाए जाएंगे तो ये दोनों ही आंसर होते होंगे। अब जनरली आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते हैं और उसमें 16 आ गया तो आप लोग क्या लिख देते हो? हाँ तो नहीं लिखते प्लस माइनस फोर। तो वैसे क्वेश्चन में मे बी हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स की बातें करनी हो, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये पॉजिटिव इंटीजर का क्वेश्चन है या कुछ ऐसा बताया हुआ है कि ग्रेटर देन जीरो का क्वेश्चन है, तब उस केस में हम ये वाला माइनस का साइन नहीं लेकर चलते हैं, तब उस केस में हम सिर्फ प्लस का लिख देते हैं, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर रूट लगाओ तो क्या बात याद रखनी है, ये देखना है कि वहाँ पर प्लस माइनस लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन तो था नहीं कि सारी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ये तो कहीं मेंशन था नहीं क्वेश्चन में, इसका मतलब आंसर में प्लस माइनस आएगा, ठीक है। देखो जब वो क्वेश्चन देगा तो कई बार तो ऐसा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी पूछेगा, तो ये दोनों क्वांटिटी दे दी, या अगर हो सकता है ये पूछ लिया जाए तो ये दोनों क्वांटिटी दे होंगी, तीन ही चीज़ें तो हैं, इनमें से कोई दो दे दी जाएंगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, ए प्लस बी प्लस सी दे दिया गया और ए बी बी सी सी ए का सम दे दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है तो हम उसकी जगह लिख देंगे जो दे रखा है हमें, ये हमसे पूछा हुआ है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। और इन सब में से टू कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, ए बी बी सी और सी, इधर तो आ जाएगा 81 और ये तो हमें निकालना ही है, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 23, इधर आ जाएगा 81 और इधर आ जाएगा 46, 46 81 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर बच जाएगा, ओके। देखो इस क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी लगाओगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए की जगह आपको क्या मिला, ए बाय बी सी, बी की जगह बी बाय सी ए, सी की जगह सी बाय ए बी, बस इतना ही तो है, बस आपको आइडेंटिटी में पुट कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब एक जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ पर ये क्वांटिटी लिखनी है, ए अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, बी की जगह बी अपॉन सी ए का होल स्क्वायर, सी की जगह सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए, ए की जगह ए अपॉन बी सी इंटू बी की जगह बी अपॉन सी ए प्लस टू इंटू बी सी, बी की जगह बी अपॉन सी ए और सी की जगह सी अपॉन ए बी, ठीक है, ये टू बी सी हो गया प्लस टू सी ए, सी की जगह सी अपॉन ए बी और ए की जगह ए अपॉन बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ऐसा हो गया। अब ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ भी सब बी स्क्वायर
सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा। और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, बी से बी और ए से ए, तो टू अपॉन में सी इंटू सी, सी स्क्वायर बच गया। यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं बी और सी, तो यहाँ पर टू के नीचे अपॉन में क्या बच गया, ए स्क्वायर। यहाँ पर ए कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है, तो टू अपॉन में क्या, इस तरह से हो जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।